ये यहाँ पर कुछ तस्वीरें है जो उन लोगों का जगह है पर मैं शूट करने की कोशिश कर लेता हूँ। अंदर बहुत बड़ा जगह है, ये सारे मुजस्मे हैं। गोल्डन का सब कुछ लगा हुआ है। उस साइड पर कोई मार्केट है, मराठी जबान में कुछ लिखाई हुई है इसके। जी हमें समझ में तो नहीं आता, पता नहीं क्या है लेकिन है, ये साईं बाबा है पता नहीं। ये हमने इतना बड़ा जो स्टेप्स है वो पास किया। ये एक केव है, देख रहे हो, पहाड़ी केव है। और अब हमने आगे जाने हैं मज़ीद, मैं आपको दिखा रहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी कोई है, इसका नाम नहीं पता, ये पता नहीं कोई देवी है ये। और ऊपर वो बैठा हुआ है एक बंदा, पता नहीं कौन है। हाय अल्लाह, ये डोनेशन बॉक्स है, ये दिखा रहे थे। ये कैफ है, पूरा का पूरा कैफ है, देख रहे हो। इसको पता नहीं बातू कैफ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। यहाँ पर भी कोई है, ये कुछ भगवान है, मुझे तो एक्चुअली इसके नाम्स के बारे में भी नहीं पता ज़्यादा। हम आगे जाते हैं। ये मलेशिया में, इस जगह का नाम क्या है, बेतु केव, बातु केव। इसके भगवान का नाम होगा बातु, आई डोंट नो। ये देख लो, बहुत बड़ा केव है भाई, तिहाई बड़ा है। ये गारों के अंदर उन लोगों का जो कल्चर है उसके मुजस्मे बनाए हैं। वहाँ पर कुछ घोड़े भी है, ये सारे जगह निकाल देता हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ताशुक हूँ भाई। 600 से ज़्यादा स्टेप्स मैंने पास किए। ये अंधियाल, पता नहीं, हरे कृष्णा है, पता नहीं क्या नाम होगा इसका, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा हूँ। बातु केव्स, ये पर मुगरी है, सारे के सारे बुद्ध है यहाँ पे। ये उसकी छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। और ये केव मैं आपको दिखा रहता हूँ, गोल गोल सा केव है, ये देख, बहुत अजीब किस्म का है। यहाँ पर मोर है, ये मोर का भगवान होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर हम मज़ीद ऊपर जाएंगे,
अरे ये कैब खत्म ही नहीं हो रहा। ये देख पता नहीं ये किस तरह बना हुआ है। ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर सारे पुजारी लोग बैठे हैं। ये कैब देख रहे हो, ये देख सारा कैब ही कैब है, गार है। कैब का मतलब है गार। ये देख पुराने ज़माने में हम जब कहानियाँ सुनते थे ना, इसमें देव रहते थे, ये होता था वो होता था, इस तरह के बड़े बड़े गार थे। पूरा दुनिया है अंदर से, पहाड़ के अंदर ही अंदर। अब ये हम इस कैब से वापस जा रहे हैं। तो ये है वो बड़ा भगवान, और नीचे ये जो स्टेप्स है काफ़ी दूर तक है।